नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जिस गति से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में देश में 23,285 नए दैनिक मामले सामने आए। दैनिक मामलों में अब तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। 23,285 दैनिक मामले आने के बाद कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,08,886 हो गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 117 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया। वहीं गुरुवार को देश में कोरोना के 22,854 दैनिक मामले सामने आए थे, जबकि शुक्रवार को 23,285 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 15,157 लोग इस वायरस से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले ठीक हुए मामलों से ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से देश में सक्रिय मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,237 है। यह जानकारों को ये बात सता रही है कि अगर संक्रमण की यही दर रही तो जल्द ही सक्रिय मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं अब तक देश में 1,58,306 लोग कोरोना वायरस के आगे हार मान चुके हैं। अब बात करते हैं जनपद सहारनपुर की। तो आपको बता दें, जिले में भले ही कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कम रह गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और ना ही कोविड की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना के अब तक भी इक्का दुक्का मरीज मिल रहे हैं। हालांकि कोविड अस्पताल काफी पहले कोरोना मरीजों से मुक्त हो गए थे। वहीं आपको बता दें, आज जनपद सहारनपुर में 5 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब जनपद में सक्रिय की संख्या 19 हो गई है और वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर जनपद में 9,986 है। सिटी वैब सभी जनपद वासियों से अपील करता है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क को पहनना और लगातार साबुन से अपने हाथों को धोना। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।